हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन डील बताने वाला हूं, जिसे आप Amazon और Flipkart से परचेज कर पाएंगे। मैं उन्हीं स्मार्टफोन को इस लिस्ट के अंदर बताने की कोशिश की है जिस पर हमें एक्चुअल में अच्छे बैंक ऑफर और डिस्काउंट मिल जाते हैं और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो अगर आप भी इस सेल के दौरान अपने लिए एक बेस्ट एंड परफेक्ट स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं, वो भी अच्छे डिस्काउंट के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहले हम Amazon के बेस्ट स्मार्टफोन डील के बारे में बात करेंगे एंड देन Flipkart के कुछ बेस्ट स्मार्टफोन डील के बारे में बात कर लेंगे। तो Amazon पर पहली डील हमें Redmi Note 11 पर देखने को मिल रही है। एक्चुअल प्राइस 13,500 के आसपास है 464 के लिए, बट 1,000 रुपए का प्रीपेड डिस्काउंट दिया गया है। तो प्रीपेड डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास किसी भी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जितना भी दिया होगा। तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 12,500 का हो गया, और 2,000 का एक्सचेंज ऑफर है जो कि आप पुराना फोन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो टोटल 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, इफेक्टिवली 10,500 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप एक्सचेंज लगाकर इस फोन को परचेज कर पा रहे हैं तो आंख बंद करके परचेज कर सकते हो। ये फोन काफी तगड़ा स्मार्टफोन है, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90Hz वाली डिस्प्ले है, 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी लगी हुई है और उसी को चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी है, 50MP का क्वाड रियर कैमरा है। फीचर्स काफी अच्छे हैं। अगर आपको 11,500 से 12,000 में मिल जाता है तो इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। अगले स्मार्टफोन डील की बात करें तो ये डील हमें Samsung Galaxy M32 पर देखने को मिल रही है। एक्चुअल प्राइस 464 के लिए 15,000 रुपए है, बट इस सेल के दौरान ये फोन आपको 11,500 के आसपास मिल जाएगा और इस प्राइस रेंज पर ये एक इंसेन डील है। 2,000 रुपए का तो कूपन दिया गया है जिसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और 1,500 रुपए का बैंक ऑफर दिया गया है अगर आपके पास HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड है। तो इफेक्टिवली ये फोन आपको 11,500 के आसपास मिल जाएगा। और इस प्राइस रेंज पर अगर आपको एक बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, साथ में 64MP का क्वाड रियर कैमरा भी होना चाहिए, और बड़ी बात यह है कि 6000 mAh बैटरी के साथ आता है ये फोन, साथ में 20MP का सेल्फी कैमरा भी है, सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मेरे हिसाब से इससे तगड़ा स्मार्टफोन नहीं है, बस एक कमी है कि ये एक 4G फोन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डील के बारे में। तो ये डील हमें IQ G3 पर देखने को मिल रही है। एक्चुअल प्राइस 18,000 के आसपास है 6128 के लिए, बट इस सेल के दौरान ये फोन आपको 15,500 के आसपास मिल जाएगा। इस फोन पर भी 1,500 रुपए का कूपन दिया गया है और 1,000 से 1,500 रुपए तक का बैंक ऑफर ले सकते हैं, वही HDFC और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड पर। इफेक्टिवली 15,500 के आसपास ये फोन आपको मिल जाएगा और 15,500 के हिसाब से सबसे पावरफुल स्मार्टफोन है ये, क्योंकि इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 768G का 5G चिपसेट, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 64MP का ट्रिपल ईयर कैमरा है, 55W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट है, प्योर परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन है। डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छा स्मार्टफोन है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन अभी काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा आपको। अगले स्मार्टफोन डील की बात करें तो ये डील भी हमें IQ के स्मार्टफोन पर ही देखने को मिल रही है। IQ G5 5G पर एक्चुअल प्राइस 24,000 के आसपास है 8128 के लिए, बट इस सेल के दौरान ये फोन आपको 20,000 के आसपास मिल जाएगा। इस पे आपको 2,500 रुपए का कूपन मिल जाएगा जिसे आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे और 1,000 से 1,500 रुपए का बैंक ऑफर दिए गए हैं। इफेक्टिवली 20,000 के आसपास ये फोन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको 20,000 के आसपास से एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि प्योरली परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन हो, तो इससे तगड़ा 20,000 के आसपास फोन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट, इसके साथ ही LPDDR5 वाला रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है। इन तीनों चीजों का कॉम्बो दिया गया है इस फोन के अंदर। इसके साथ ही 120Hz वाली डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि IPS पैनल के साथ आता है, 44W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट है, 5000 mAh की बैटरी है, 64MP का ट्रिपल ईयर कैमरा है। फीचर्स काफी अच्छे दिए गए हैं। 20,000 के आसपास तो डेफिनेटली चेकआउट कर ही सकते हो। बात करते हैं Amazon के लास्ट स्मार्टफोन डील के बारे में। तो ये डील हमें Xiaomi 11T Pro 5G पर देखने को मिल रही है। अब ये जो फोन है उन यूजर्स के लिए है जिनका बजट 30,000 से 35,000 के आसपास है। वैसे इस फोन का एक्चुअल प्राइस 40,000 के आसपास है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए। बैंक ऑफर की बात करोगे तो 5,000 रुपए का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा HDFC के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर, और 5,000 रुपए का एक्सचेंज ऑफर दिया गया है। तो एक्सचेंज ऑफर और बैंक ऑफर मिला दोगे तो ये फोन आपको 30,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आपको इस प्राइस रेंज पर एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें 120W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट हो, 10-bit वाली 120Hz वाली डिस्प्ले भी हो, स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर हो और 5000 mAh की बैटरी हो, तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छा स्मार्टफोन है अगर आपको ये फोन बैंक ऑफर के साथ मिल जाता है तो।
चलिए बात करते हैं अपने पहले स्मार्टफोन डील के बारे में। तो ये डील हमें पोको M3 Pro 5G पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा पुराना फोन है लेकिन अभी काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर ये फोन आपको मिल जाएगा। इस सेल के दौरान ये फोन आपको 12,500 के आसपास मिल जाएगा 464 वाला, और 1,000 रुपए का SBI के क्रेडिट कार्ड पर इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। इफेक्टिवली 11,500 के आसपास इस फोन को आप परचेज कर पाएंगे, और इसके साथ ही ये इंडिया का चीपेस्ट 5G फोन बन जाता है। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी, MediaTek Dimensity 700 का 5G चिपसेट लगा हुआ है जो कि 7nm पर बना हुआ है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा है। Full HD+90Hz वाली डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि IPS पैनल के साथ आता है। सो ये कुछ फीचर्स आपको पोको M3 Pro 5G में मिल जाते हैं। बैंक ऑफर मिलाकर ये फोन आपके लिए किलर डील है। नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की बात करें तो ये डील हमें Redmi Note 10 Pro पर देखने को मिल रही है। वैसे रिसेंटली Redmi Note 11 Pro भी लॉन्च हो गई है, बट इस फोन को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस पर काफी अच्छा डिस्काउंट दिया गया है, और कैमरा डिपार्टमेंट में Redmi Note 10 Pro ज्यादा बेटर है। फिलहाल इस सेल के दौरान Redmi Note 10 Pro को आप 15,000 के आसपास परचेज कर पाएंगे। वैसे 17,500 के आसपास आता है 6128 के साथ। 1,500 रुपए का तो प्रीपेड डिस्काउंट दिया गया है जो कि आपको लगभग सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगा, और अगर आपके पास SBI के क्रेडिट कार्ड है तो 1,000 रुपए का और अलग से डिस्काउंट ले सकते हैं। इफेक्टिवली 15,000 के आसपास इस फोन को आप बाय कर सकते हैं। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो 120Hz वाली डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है। 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट है, 5000 mAh की बैटरी है, 64 MP का क्वाड रियर कैमरा है। फीचर्स काफी अच्छे हैं, 15,000 में इससे अच्छा स्मार्टफोन नहीं मिलेगा आपको। बस एक कमी है कि ये एक 4G फोन है। खैर बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन डील के बारे में। सो ये डील हमें सैमसंग गैलेक्सी F23 5G पर देखने को मिल रही है। रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये फोन 16 तारीख से सेल पर जाने वाली है। इस सेल के दौरान ये फोन आपको 15,000 के आसपास मिल जाएगा 4128 वाला, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से सैमसंग ने काफी सारे तगड़े फीचर्स दिए हैं, जैसे कि 15,000 के नीचे स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट मिल जाएगा आपको, 120Hz वाली डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि TFT पैनल के साथ आता है। इसके साथ ही 5000 mAh की बैटरी है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट दिया गया है, सैमसंग के कुछ प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं। बस इस फोन में आपको चार्जर नहीं मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, चार्जर आपको बाहर से परचेज करनी पड़ेगी, बट 15,000 के हिसाब से तो काफी अच्छा डील है अगर आपको 15,000 के नीचे नॉन चाइनीज 5G फोन चाहिए तो। इसके साथ ही नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की बात करें तो ये डील हमें Realme 8 पर देखने को मिल रही है। एक्चुअल प्राइस 16,000 के आसपास है 4128 के लिए, बट 2,500 रुपए का प्रीपेड डिस्काउंट दिया गया है, और 750 रुपए का SBI के क्रेडिट कार्ड पर अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। इफेक्टिवली इस फोन को आप 12,750 रुपए में परचेज कर पाएंगे 4128 वाले को, और इस प्राइस रेंज पर अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, 64 MP का क्वाड रियर कैमरा हो, 5000 mAh की बैटरी भी हो, साथ में 30W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट हो, MediaTek G95 वाला चिपसेट भी लगा हुआ है, सो ये सारे फीचर्स चाहिए वो भी 12,000 से 13,000 के प्राइस पॉइंट पर, तो इस फोन को आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की बात करें तो ये डील हमें Realme 9 Pro Plus पर देखने को मिल रही है। ये फोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है अंडर 25,000। वैसे तो 25,000 के आसपास आता है ये फोन 6128 वाला, बट इस सेल के दौरान ये फोन आपको 22,000 के आसपास मिल जाएगा। 3,000 रुपए का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास SBI के क्रेडिट कार्ड है तो। कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें लगा हुआ है 50 MP का OIS वाला ट्रिपल रियर कैमरा। इसके साथ ही Full HD+90Hz वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी। 4500 mAh की बैटरी है, और उसी को चार्ज करने के लिए 60W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट है। फीचर्स काफी अच्छे दिए गए हैं। 25,000 के आसपास तो थोड़ा सा ओवर प्राइस हो जाता है, लेकिन 22,000 में तो काफी तगड़ा स्मार्टफोन है ये भी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट स्मार्टफोन डील के बारे में, और ये डील हमारे प्यारे दुलारे Realme GT Master Edition पर देखने को मिल रही है। इस बार Realme GT Master Edition पर सिर्फ एक ही वेरिएंट पर ऑफर दिया गया है जो कि 8GB RAM एंड 256GB स्टोरेज वाले पे दिया गया है। वैसे तो 30,000 के आसपास आता है 8GB RAM एंड 256GB वाला, बट इस पर 3,000 रुपए का तो प्रीपेड डिस्काउंट दिया गया है जो कि आपको लगभग सभी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिल जाएगा, और 2,000 रुपए का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास SBI के क्रेडिट कार्ड है तो। तो 30,000 का फोन है लेकिन 25,000 के आसपास मिल जाएगा बैंक ऑफर मिलाकर। फीचर्स के बारे में बात करोगे तो स्नैपड्रैगन 778G का 5G चिपसेट लगा हुआ है, 65W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट है, 120Hz वाली डिस्प्ले मिल जाएगी जो कि सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है। इसके साथ ही 64 MP का ट्रिपल ईयर कैमरा है। तो यही थे कुछ बेस्ट एंड सिलेक्टेड स्मार्टफोन डील जिन्हें आप इस होली सेल के दौरान परचेज कर सकते हैं Amazon और Flipkart से।